हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मिलेगा चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कितनी कटअप जो है आपकी जाने वाली है और सीबीएसई वेरियस पोस्ट में, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर शामिल है, जूनियर असिस्टेंट शामिल है, तो ये सारे पोस्ट जो आपकी हैं उस सभी के बारे में हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सर्वे किया, 1500 लोगों से ज़्यादा लोगों से बात की, और जो ये है सेंटर से हम गए थे, वहाँ पर काफ़ी बच्चे थे जो अपने कट ऑफ को लेकर हमसे बात किए थे, और सारी चीज़ें जो हमने कलेक्ट करके रखी थी, और आज हम आपको शेयर कर रहे हैं कि जो अभी तक हमारे पास जो डेटा आ रहा है कि कितने मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं आंसर के आने के बाद। जी हाँ दोस्तों, आंसर की आपका जारी हो गया और उसके बाद आपका कितना जो है कट ऑफ जो है जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने जॉब मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जॉब मिलेगा पे आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। तो पहले मैं जनरल से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो जनरल से जो आपके कटअप जाने की जो चांसेस है यहाँ पर, वो आपका 130 प्लस में रहेगा। जी हाँ, 130 नंबर के ऊपर आप जो अगर आपके नंबर हैं तो ही आपका जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपको बुलाया जाएगा जूनियर असिस्टेंट वगैरह में, तो 130 नंबर के आसपास में आपको जो है आपका नंबर होना ज़रूरी है। ये अभी फ़िलहाल जो है कट ऑफ का जो है हम वीडियो बनाए आपको पहले बता दे रहे हैं कि 1500 पीपल्स के लगभग जो है लोगों ने हमसे हमने बात की थी। तो इस प्रकार जो है जितने बच्चे से हमने बातें की हैं, जिनके कमेंट्स हमारे पास आए हैं मैसेज थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। नेक्स्ट है ओबीसी। तो ओबीसी में यहाँ पर आपको लगभग 128 के आसपास में आपका नंबर होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 72,000 पीपल्स ने जो है जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा था और 66 के आसपास में जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा गया था। तो इतने जब रजिस्ट्रेशन हुए तो आप समझ सकते हैं कि मार्क्स कितने आपके जाने चाहिए। तो ये जो है अभी मिनिमम हम बता रहे हैं, तो ये 128 नंबर आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली होंगे, तो ही जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एससी की। एससी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें जो है अप्लाई किया था, और यहाँ पर भी जो आपका नंबर है वो 126 के अप्रॉक्सीमेटली प्लस में ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जा पाएगा। तो 126 के नंबर के आसपास भी अगर आपका फिगर आ रहा है आंसर के आने के बाद, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है उसमें, तो नॉर्मलाइजेशन होने से पहले अगर आपका नंबर इतने आसपास में है तो आपको जो है चांस मिलेगा टाइपिंग के लिए जूनियर असिस्टेंट में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि अगर आपका 126 नंबर आ रहा है तो। नेक्स्ट है एसटी। एसटी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लगभग 110 के आसपास में जो है नंबर जाने वाला है, यानी 110 नंबर के आसपास में अगर आपका आंसर की में आ रहा है इस समय, तो जो आपको जो है तैयारी लग जानी चाहिए अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए। जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट आप तैयारी करते रहिए, ताकि उससे आपका जो है स्पीड बना रहे, मेंटेन रहे। ये मत सोचिए कि कितनी कटअप जाएगी कितनी नहीं, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हमारे पास ये चार कैटेगरी की कटअप आ चुकी है, तो जैसे ही हमारे पास EWS और HH और PWD की भी कटअप आएगी तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।